आधी रात को पीकर सड़कों पे घूमने लगी है आपकी बेटी, सुन रहे हैं ना? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, बोलिए। सुहाग रात को दूध के गिलास के बदले बियर गिलास से एंटर करने वाली दुल्हन। वाह, कैसे दिन आ गए। कल जब आपकी बेटी के बारे में पेपर में आएगा तो आराम से बैठकर पेपर पढ़िएगा। आधी रात को घर आती है, आप कुछ पूछेंगे नहीं क्या? लेट आने पर माँ ने गुस्से में आकर बच्ची को डांट दिया और बच्ची अपना घर छोड़कर चली गई। अरे रे 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 रे। आप मुझे धमका रहे हैं? मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, हेडलाइंस। माँ कब से मांग रही हूँ, सर फटा जा रहा है मेरा, कॉफी दे दो ना। कॉफी नहीं बेटा, वोडका ला के देती हूँ ना। बर्फ के बिना तो वो नहीं पिएगी माँ। सुनिए ना, सामने वाली कावेरी को देखिए, वो लड़की कॉफी भी नहीं पीती है। वो सिर्फ कॉकटेल ही पीती है। क्या है, बहुत हंसी आ रही है? नहीं, पेपर पढ़ रहा हूँ, देख तो रही हो। अब आपका हो गया ना? ठीक है। सुनिए, क्या आपने ये सोचा, रात में जो कुछ भी हुआ उस लड़के ने घर पे बता दिया होता तो क्या होता, बताइए। माँ आनंद ऐसा कुछ नहीं कहेगा, he's a cool guy, बहुत अच्छा है। सुन लिया, बहुत कूल है वो। बहुत कूल है ना, तो जल्दी से उसके घर वालों से बात करके रिश्ता पक्का कर दीजिए, क्या कहते हैं? तो पंडित जी से बात कर लूँ मैं? पहले उसकी फैमिली से बात करिए, मुझे लगता है वो लोग भी हमारे बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। क्या माँ, कुंभिका होगी क्या? दो। तेरा फोन बज रहा है। फोन फोन बड़ा आया किशोर कुमार, मुझे लगा हारमोनियम बज रहा है। फोन मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, तुझे कैसे पता चलेगा? मैं लता जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। जी जी, मैं ललिता जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ, बोलिए। बीच में मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, आदत हो गई है ना। मैं हनुमंत राव बोल रहा हूँ जी, हैदराबाद से। हाँ, मैं गोपालपुरी बोल रहा हूँ, विजयवाड़ा से सुन रहा हूँ, बोलिए। अक्षरा के पिता बोल रहे हैं, ये कहिए। अक्षरा का पिता बोल रहा हूँ मैं। अक्षरा के पिता बोल रहे हैं, मैं आनंद का पिता बोल रहा हूँ, बोलिए। सब ठीक है ना? सब अच्छा है जी, भगवान की कृपा है। लता जी ठीक है ना? लता जी तो बहुत खुश है। वैसे आप मेरी पत्नी का नाम कैसे जानते हैं? आपने अभी तो कहा था कि आप लता के हस्बैंड बोल रहे हैं। हाँ, मैंने ही तो बताया था आपको इसका नाम। तुम क्या हड्डियाँ तोड़ोगी क्या? बात तो करो। हड्डियाँ टूट रही है, किसकी टूट रही है, कहाँ पर टूट रही है, क्या बोल रहे हैं? मुझे क्या पता, वो बोल रहे हैं, तुम चुप रहो। कुछ नहीं, वो मैं रिंग लाने के लिए बोल रहा था। अच्छा अच्छा, यही बताने के लिए फोन किया था। मंगनी की रस्म अगर हम पूरी कर लेते तो आनंद अक्षरा के बारे में मिलकर हम बात कर लें। आनंद और अक्षरा के बारे में बात करनी है। हाँ जी, बोलिए बोलिए, बात करिए बोलिए। तो फिर हम मिलते हैं। हाँ जरूर जी, जल्द ही। थैंक्स जी, रखता हूँ। अरे मेरी, पर मिलेंगे कहाँ? ये तो पूछा नहीं। तो पूछा क्यों नहीं आपने? अब क्या करूँ? बेटा शादी लायक हो गया पर आपको अकल नहीं आई। अकल नहीं है माँ? हाँ? क्या मेरे पास अकल नहीं है क्या, ये कह रही है? ओहो ऐसा? अकल होती तो काम पूरे करता, अकल नहीं है तो काम अधूरे छोड़ता। घोड़े जैसा बड़ा हो गया है, अकल एकदम बच्चे अच्छा, जैसी है। मैं कुछ और ही समझ रहा था। भाई साहब, अब मैं अपनी बेटी की क्या तारीफ। दूध जैसी साफ बच्ची है हमारी अक्षरा। कॉफी भी बना लेती है, कॉम्प्लान भी बना लेती है। मेरे पोते के साथ घर तो बसा लेगी ना मम्मी। भाई साहब, आपने कॉल करके बात तो शुरू कर दी, वरना हमारे बच्चों की लाइफ में वैलेंटाइंस डे तो होता पर मैरिज डे कभी नहीं होता। सही कहा, वैसे बच्चों की शादी के लिए जो फैसले लेने होते हैं उसके लिए तो हम लोग हैं ही ना। यहाँ मजाक ही चलेगा या शादी के बाद भी होगी? वाह क्या बात कही है माँ। भाई साहब, शादी से याद आया, मुहूर्त आप लोग तय करेंगे या फिर हम तय करें? कोई भी तय करे, क्या फर्क पड़ता है, हम सब साथ ही है ना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको बुरा ना लगे, अक्षरा के मुंडन के लिए जब बचपन में विजयवाड़ा की माँ दुर्गा के मंदिर में गए थे, शादी भी वहीं करने की मन्नत मांग ली थी हमने, बस यही एक रिक्वेस्ट है। अरे क्या बात है, विजयवाड़ा में ही सब करना है तो शादी के मंडप से लेकर सारी तैयारियां मैं खुद देख लूंगा। आप हैप्पीली रिलैक्स हो जाओ अंकल। ओके, सो फॉर अ चेंज लड़के वाले लड़की वालों की अब विदाई करेंगे। विदाई तक तो ठीक है, लेकिन दहेज सामने से नहीं मांगना चाहिए। कैसी बात कर रही हैं आप माता जी। ए मोबाइल सिग्नल, ये क्या सिग्नल है? हुँ? 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 भाई साहब, आजकल बच्चों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, प्राइवेसी। अक्षरा आनंद को ऊपर ले जाओ और अपना गार्डन दिखा दो। वो व्हाट अ गार्डन, तुम्हारे फादर ही है ना इसके वार्डन। हे सो प्रिटी, सो ग्रीन, सो ब्यूटीफुल। आनंद, हम जब से मिले हैं तब से अब तक वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला ना। या आई नो, हमारी पहली मुलाकात तुम्हें याद है क्या? हाँ,
विजयवाड़ा टू हैदराबाद बस में, कैसे भूल सकता हूँ, तुम पर तो मैं उसी दिन फिदा हुआ। मुझ में क्या देखा तुमने? यही देखा कि कौन है ये लड़की भाई, बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, अगर ये घर आ गई तो जिंदगी सवर जाएगी। बस से उतरते ही फोन नंबर मांग लिया था। हे, तुमने दिया ही कहाँ, मेरा नंबर लेकर कॉल करने वाली थी ना। बहुत दिनों तक वेट कराया ना। वेट करता रहा, एट लास्ट कॉल तो आया। वैसे तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा? तुम्हारा केयरिंग नेचर आनंद। थैंक यू आनंद, आई हैव टू टॉक टू यू। ऑलराइट प्लीज, अब बोलो। क्या है ना आनंद, मैं एक साड़ी की डिजाइन सेलेक्ट करने के लिए भी बहुत टाइम लेती हूँ, तो ये शादी एंगेजमेंट इतना फास्ट होने लगा है तो मुझे टेंशन हो रही है। शादी के नाम पर हर लड़की को टेंशन होता है, अगर तुम्हें भी है तो इसमें कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है, उससे भी बड़ा डिजाइनर एक और है, जो भी होने वाला है वो डिजाइन करता है, हम तो बस कठपुतली हैं। हेलो राइटर साहब, अपने डायलॉग्स एड्स में इस्तेमाल करना, अक्षरा पर नहीं। ए, एड से याद आया, कला मंदिर के लिए एक नया एड करने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट राइटर भी मैं हूँ, जिंगल्स भी मैं ही लिखूंगा, कंटेंट जबरदस्त है, सुनो 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 सुनो। कला मंदिर की नई साड़ियाँ, सस्ती टिकाऊ कई साड़ियाँ, शादी के घर में ऑल हैप्पी लेडीज, किड्स और जेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट, स्वागत कर रहा है कला मंदिर, कला मंदिर, कला मंदिर टेक्सटाइल्स, टिक टिक टॉक। शादी के नाम से मेरे तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, रिश्तेदार तो हमारे बहुत हैं, पर काम के वक्त सब पीठ दिखाकर भाग जाते हैं भाभी। बाप रे, शादी कोई छोटी चीज थोड़ी है, ये मंडप, जेवर, साड़ियाँ, कपड़े, मेहमानों की खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ना भाभी। आप टेंशन मत लीजिए भाभी, सब लोग मिलके करेंगे तो सारे काम आराम से हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया भाभी, आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम वैसे ऊपर क्यों आए हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए क्या? हाँ बोलो, क्यों आए? हम विजयवाड़ा के लड़के बहुत रोमांटिक होते हैं, कुछ भी करते हैं बहुत रोमांटिकली करते हैं। आनंद क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानती क्या, माँ कभी भी ऊपर आ सकती है। माँ तो नीचे बहुत बिजी है, बगल के टेरेस से किसी ने देख लिया तो? देखने दो ना, कुछ सीख ही लेंगे। Are you sure? पक्का। मैं तो बस आई लव यू बोलने आया था, मैं कहीं भी शुरू नहीं हो जाता। मतलब मैं ऐसा करती हूँ क्या? उस दिन मुआ मुआ करके तीन पप्पी दी और आई लव यू बोला तुमने। कहाँ? उस रात को। मुझे सिर्फ आई लव यू तक याद है। तुम लड़कियाँ कभी मानती नहीं ना, हा?